टैक्सिल डॉट कॉम के यूट्यूब चैनल पर मैं सी ए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। यदि सीनियर सिटीज़न के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया जाता है या फिर उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कोई खर्चा किया जाता है तो उस केस में डिडक्शन सेक्शन 80D ऑफ इनकम टैक्स के अंदर दी गई थी। यानी कि यदि असेसी जो कि इंडिविजुअल है या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है वो एनुअल प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का पे करता है या फिर सीनियर सिटीजन के प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए 30,000 रुपया पे करता है या फिर मेडिकल एक्सपेंडिचर करता है फॉर वेरी सीनियर सिटीजन, तो उस केस में 30,000 रुपये की डिडक्शन सेक्शन 80D के अंदर दी गई थी। लेकिन अब बजट 2018 के अंदर प्रपोजल दिया गया है कि सेक्शन 80D के अंदर जो लिमिट है उसको बढ़ाकर 30,000 रुपया से 50,000 रुपया कर दिया जाए। यदि आप सिंगल प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं और उसका जो कवर है वो 1 साल से ज़्यादा है तो उस केस में आपको डिडक्शन प्रोपोर्शनेट बेसिस पर मिलेगी। यह जो अमेंडमेंट है वो 1 अप्रैल 2019 से अप्लाई होगी, यानी कि असेसमेंट ईयर 1920 एंड सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2018। यदि कोई इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वेरियस सीनियर सिटीजन के लिए 80,000 रुपये तक का कोई खर्चा करती थी स्पेसिफाइड डिजीज़ की मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए तो उस केस में सेक्शन 80DD(b) के अंदर डिडक्शन दी गई थी अप टू 80,000 रुपीज़। इसी प्रकार यदि कोई इंडिविजुअल या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली किसी सीनियर सिटीजन के स्पेसिफाइड डिजीज़ के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कोई खर्चा करती थी तो उस केस में 60,000 रुपीज़ तक की डिडक्शन दी गई थी अंडर सेक्शन 80DD(b). अब बजट 2018 के अंदर ये प्रपोजल दिया गया है कि इस लिमिट को बढ़ाकर 1,00,000 रुपया कर दिया जाएगा, यानी कि अब सीनियर सिटीज़न और वेरी सीनियर सिटीज़न दोनों ही 80DD(b) के अंदर 1,00,000 रुपये की डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए अमेंडमेंट 1 अप्रैल 2019 से यानी कि असेसमेंट ईयर 1920 एंड सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर के लिए अप्लाई होगी यानी कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2018 ऑनवर्ड्स। यदि किसी व्यक्ति की सेविंग के बैंक अकाउंट के अंदर कोई इंटरेस्ट इनकम होती है तो उस केस में उसे सेक्शन 80TTA के अंदर 10,000 रुपीज़ की डिडक्शन मिलती है। लेकिन अब सरकार ने डिसाइड किया है कि सीनियर सिटीजन के केस में नया सेक्शन 80TTB इंसर्ट किया जाएगा, यानी कि यदि उन्हें डिपॉजिट से इंटरेस्ट इनकम होती है अप टू 50,000 रुपीज़ तो उसे डिडक्शन दी जाएगी अंडर सेक्शन 80TTB, और इस केस में वह 80TTA की डिडक्शन को अवेल नहीं कर सकता है। यह जो अमेंडमेंट है वो 1 अप्रैल 2019 से यानी कि असेसमेंट ईयर 1920 एंड ऑनवर्ड अप्लाई होगी यानी कि 1 अप्रैल 2018 फाइनेंशियल ईयर। इसी प्रकार ही यह भी प्रपोजल दिया गया है कि सेक्शन 194 के अंदर जो TDS कटता था उसकी लिमिट भी सीनियर सिटीजन के केस में जो है वो बढ़ा दी गई है, यानी कि यदि अब सीनियर सिटीजन इंटरेस्ट की इनकम लेते हैं और वो 50,000 रुपये तक है तो उसके ऊपर कोई TDS नहीं कटेगा। यह अमेंडमेंट 1 अप्रैल 2018 से अप्लाई होगी। इसी प्रकार ही फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यह भी प्रपोजल दिया है कि प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना को 2 मार्च 2020 तक एक्सटेंड कर दिया जाए। इस योजना के अंदर लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 8% की अशोर्ड रिटर्न देती थी यदि पर सीनियर सिटीजन 7.5 लाख रुपीज़ तक की इन्वेस्टमेंट की जाती है। अब इस इन्वेस्टमेंट लिमिट को बढ़ाकर 15 लाख रुपया कर दिया गया है, यानी कि यदि पर सीनियर सिटीजन 15 लाख रुपीज़ तक जमा किए जाते हैं तो उस केस में 8% की अशोर्ड रिटर्न दी जाएगी बाय लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यदि आपने हमारी पुरानी इनकम टैक्स न्यूज़ को मिस कर दिया है तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं जहाँ पे के लेटेस्ट इनकम टैक्स की न्यूज़ दी गई हैं।